वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू लेसन हियर, दैट इज फ्रॉम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर मीन 11th क्लास इंग्लिश लिटरेचर रेनबो पार्ट वन प्रोज सेक्शन एंड सेकेंड लेसन नंबर टू, दैट इज नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग। तो एट फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइटल ऑफ द लेसन। ये लेसन जो है नालंदा एंशियंट सीट यानी कि प्राचीन जगह ऑफ लर्निंग सीखने की। इस लेसन का हिंदी टाइटल बनेगा नालंदा सीखने की प्राचीन जगह। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि सर और आप सबों का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर पे। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा एसे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो लेसन है नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अबाउट द ऑथर सेक्शन में, राइटर के बारे में जानते हैं पहले। तो राजेंद्र प्रसाद 1884 टू 1962, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में जबकि इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। बॉर्न इन जीरादेई, इनका जन्म जीरादेई में हुआ था जो कि बिहार में है। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो कि गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे एज प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति के रूप में। He had moderating influence, उन पर एक मध्यस्थ प्रभाव था। On the political thinking of the period, उस समय के जो राजनैतिक जो सोच थी विचार थी उसका उन पर उनके ऊपर एक मध्यस्थ प्रभाव रहा था। He also shared Gandhiji's great vision, उन्होंने गांधी जी के महान विचारों को भी दृष्टिकोण को भी क्या किया, शेयर किया, साझा किया। The making of a new man in society, उन्होंने समाज में एक नए मानव के निर्माण की जो है प्रक्रिया को फॉलो किया था। ए लिविंग एम्बॉडीमेंट, एक जीता जागता उदाहरण ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादे जीवन और उच्च विचार का एक जीता जागता उदाहरण थे वे। डॉक्टर प्रसाद वाज ए स्टेट्समैन, डॉक्टर प्रसाद जो थे वे क्या थे, एक स्टेट्समैन, एक राजनेता थे, स्कॉलर, एक विद्वान थे, हिस्ट्रियन, इतिहासकार, एडुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, लोफ्टी आइडियलिस्ट, उच्च विचारक, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, एंड अबव ऑल और इन सबों के ऊपर ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर, ये सबसे बड़ी बात कि एक महान रचनात्मक या सृजनात्मक विचारक थे। द स्पीच नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग, ये जो भाषण है नालंदा सीखने की प्राचीन जगह, टेकन फ्रॉम स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम वन, वो कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम वन, यानी कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के भाषण भाग एक से लिया गया है। वाज डिलीवर्ड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग, स्टोन लेइंग यानी कि ये जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ने जो भाषण दिया था जब क्या हो रहा था कि फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, जब मगध अनुसंधान संस्थान का जो है बुनियाद खड़ा किया जा रहा था यानी कि उसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ था उस समय ये भाषण दिया गया था। और नवम्बर 20, 1951 यानी 20 नवम्बर 1951 ईस्वी में। इन दिस स्पीच, इस भाषण में डॉक्टर प्रसाद एनन्सिएट्स द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर प्रसाद क्या करते हैं एनन्सिएट्स यानी कि महिमा का वर्णन करते हैं किस चीज का, तो द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व की जो महिमा थी, जो ग्लोरी थी, प्रसिद्धि थी, उसके बारे में बात करते हैं। एंड प्लीड्स फॉर इट्स रिवियल, और इसके रिवाइवल और इसके पुनर्निर्माण के लिए क्या करते हैं यानी निवेदन करते हैं। His emphasis on the perfectly harmonious relationship, उनका जो जोर होता है वो सत्यता के साथ, पूरी तरह से सत्यता के साथ harmonious relationship यानी कि मधुर संबंध between the guru and the शिष्य, यानी कि गुरु और शिष्य के बीच जो मधुर संबंध होने चाहिए उस पर इनका जोर होता है। For imparting and receiving of knowledge यानी कि ज्ञान के आदान प्रदान के लिए is of particular interest today, कहते हैं कि इन दिनों ज्ञान का आदान प्रदान जो है impart करना या receive करना ये आज के दिनों का एक पर्सनल या पार्टिकुलर इंटरेस्ट है, ये चीज ये बताते हैं। तो ये था अबाउट द ऑथर सेक्शन में। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।